देखो भाई, ये है साबरमती नदी, सूख गई है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम घर जा रहे हैं, घर जाने की खुशी तो है क्योंकि घर में भाई और सब लोग आ रहे हैं यहाँ, और फिर से वही प्लेटफॉर्म और फिर से वही शक्लें जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर से वही जगह, ये जगह। अब इसमें प्लेटफॉर्म नंबर ढूंढो, प्लेटफॉर्म नंबर ले जाओ, फिर रुको, फिर वेट करो, फिर एक दिन का सफ़र काटो, फिर जाके कहीं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचो, करना तो पड़ता ही है। तो गाइस ये है हमारी ट्रेन यहाँ पे खड़ी, और यहाँ पे है हमारा SE1 में 48 नंबर हमारा सीट नंबर है। अभी हम बैठ जाएंगे आराम से, 9:45 पे ट्रेन है, और आज भी जल्दी आ गया मैं क्योंकि जल्दी पहुंचना ज़रूरी है यार, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी गाड़ी नहीं मिली। अगर तो अपना व्हीकल हो या कोई छोड़ने आ रहा हो तब तो ठीक है, पर जब ट्रांसपोर्टेशन कहीं से तुम ले रहे हो तो तुम्हारे को बहुत दिक्कतें आ जाती है कि जल्दी पहुंचोगे तो तुम्हारी ट्रेन नहीं छूटेगी। अगर तुम्हारी ट्रेन जा रही है और तुम तब भाग रहे हो फिर दिक्कतें आ जाती है। अगर तुम पहुँच भी जाते हो तब भी फिर तुम वो होता है ना कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं पहले ही आ जाता हूँ जब भी कहीं मतलब जाना हो तो। मैं मतलब ये है कि आधा एक घंटा दो घंटा पहले ही पहुँच जाता हूँ, क्योंकि तब तक कंफर्म कर लेता हूँ कि है ट्रेन, कब आ रही है, क्या नहीं है, कौन सा मेरा प्लेटफॉर्म नंबर है, कौन सा मेरा ये जो स्टेशन है कौन सा है, तो कंफर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं अभी देखो आप बैठ जाऊँगा, बैठ के क्या है, अब रूम पर भी मैंने वही बैठना ही था बिल्ला, इसीलिए यहाँ आके बैठ जाता हूँ। उतनी गर्मी तो नहीं है पर ये कि सहने लायक है थोड़ी, ठीक है। अब घर पहुँचते पहुँचते एक दो दिन तो लग ही जाएगा, मतलब अभी मैं सुबह चला हूँ तो कल शाम को पहुँचूँगा घर। आज पूरा दिन और पूरी रात अभी इस ट्रेन में काटनी पड़ेगी, फिर कल सुबह 7 बजे उतारेगी चंडीगढ़, फिर उसके बाद हम ले गए वहाँ से बस, और बस में उसके बाद लग जाएंगे 4-5 घंटे लग ही जाएंगे वहाँ से पहुँचते पहुँचते। तो इसीलिए मैं परेशान हूँ कि दो दिन का सफ़र, पर सफ़र करने की आदत सी हो गई है क्योंकि मतलब होता है ना कि चलते रहो तो आदत हो जाती है सफ़र की, इसीलिए मेरे को भी सफ़र की आदत हो गई है। पर मेरे को जो रेलवे स्टेशन का जो भीड़ भड़ाका है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर क्या करें, कहीं ना कहीं जाना पड़ता, ट्रेन सही रहती है ना, इसीलिए ट्रेन में ही जाता हूँ मैं। क्या चीज है ये? तो गाइस ये हो चुकी है हमारी सुबह, तो मॉर्निंग में देखो आप हम पहुंच चुके अभी अम्बाला कैंप के साथ साथ ही है, बाहर का भी देखो आप, हमारी ट्रेन अभी रुकी हुई है क्योंकि अभी दूसरी ट्रेन एक क्रॉस हो रही है तो करके रुकी है। हमें सुबह के बज चुके हैं 5:05 हो चुके हैं, हम ना उठे, फिर उसके बाद हाथ मुँह वगैरह धोया और फिर उसके बाद फ्रेश होके आ गए, आराम से बैठे होके हवा दे रहे। तो गाइस अभी देखो हम पहुंच चुके हैं अम्बाला कैंप, ये देखो आप अम्बाला कैंप में, मतलब बस रेलवे स्टेशन सब सेम ही है एक जैसे, ट्रेन वगैरह यहाँ पे, ये मॉल जो गाड़ियाँ होती है माल गाड़ियाँ वगैरह वो है। तो गाइस दिस इज माय ब्रेकफास्ट, द टी केक और टी कप। सो गाइस अभी देखो हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, ये है चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन, ये बाहर जाने का रास्ता है यहाँ पे, यहाँ से हम जाएंगे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से बाहर, ये अपना रेल का सफ़र होता है कंप्लीट।
और उसके बाद अब हम करेंगे बस का सफ़र आगे से। बस का सफ़र रहेगा हमारा 2-3 घंटे का सोलन तक का, फिर उसके बाद आगे रिस्ट्रिक्शन मॉल का और सफ़र रहेगा, सफ़र ही सफ़र रहेगा, आज शाम तक हम जाएंगे। और ये हम पहुँचे चंडीगढ़ के बस स्टैंड पे, ये देखो खड़ी चंडीगढ़ की बसेस, अपनी हिमाचल की बस है, कितनी प्यारी है देखो आप, कितनी सुंदर है अपनी हिमाचल की बस, ऐसे सजाते हैं ना बंदे की। देखता हूँ अभी कहाँ की बस है, अम्बाला, रामपुर, चंडीगढ़, शिमला, ये वाली बस सही है मेरे लिए। तो ये देखिए चंडीगढ़ बस स्टैंड पे 50 रुपये का मस्त बनाना है, बट केला थोड़ा कच्चा है। बस एक अच्छा है, क्योंकि सुबह से लेकर कुछ खाया नहीं था, इसी कारण मैं अभी खा रहा हूँ। अभी हमने घर के लिए कुछ सामान ले लिया, ये देखो माता श्री के लिए थोड़े से इक्विपमेंट्स लिए किचन के, वो वहीं जाके ओपन करेंगे, वहीं जाके दिखाएंगे आपको क्या क्या लिया है। बाकी हम तो सोलन के रश में है, ये सोलन का मॉल, जब हम पहुंच चुके हैं नौराधार। तो यहाँ पे आप नौराधार को मैं दिखाता हूँ आपको, मतलब जो हमारा ट्रैकिंग है चूड़धार ट्रैकिंग, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ये है नौराधार का बाज़ार, ये है हमारी तहसील, और ये आपको ट्रैक दिख रहा है ऊपर, वो है चूड़धार का ट्रैक, और ये है अपना बाज़ार नौराधार का। अभी मैं आपको पूरा घुमाता हूँ बाज़ार क्या क्या है यहाँ पे। अभी मैं सामान वगैरह लेना है थोड़ा घर के लिए, और हार्डवेयर वगैरह का कुछ अभी घर पर काम चला है उसके लिए सामान ले रहा हूँ, अभी भाई ने कॉल किया था, अभी इसको ले लेता हूँ फिर उसके बाद जाता हूँ। गाइस यहाँ देखो हिमाचल भी ठंड है, माँ कसम से बिल्कुल यहाँ से हवा चली है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा, ये देखो हवा चली है यहाँ पे, बिल्कुल गर्मी तो बिल्कुल मज़े ही मज़े, बिल्कुल मस्त मज़े से ठंडी ठंडी हवा चली है, और मेरे को ठंड लग रही है, ये देखो मस्त इधर तो। अरे गुजरात में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ के मुकाबले बहुत तगड़ी है। हाँ ये है कि दिन में कभी कभी जैसे धूप लगती है तो गर्मी हो जाती है, वैसे नहीं, बाकी तो ठीक है। यहाँ पे सुबह शाम तो मस्त है, बढ़िया हवा चली होती है, देखो मेरी टी शर्ट देख रहे हो आप, मुझे रखे। अरे ये देखो ये जो ये वाला ट्रैक है मेरे से पीछे वाला, ये है चूड़धार का ट्रैक, यहाँ से हम जाते हैं चूड़धार, ये चूड़धार का ट्रैक 18 किलोमीटर का है, और ये है भोले बाबा के, इस पर मतलब भोले बाबा का मंदिर है ऊपर जाके, उसको भी एक बार ही गया था मैं, ब्लॉग तो बनाया है पर वो अपलोड नहीं किया है। और ये हमारे बंगाल से हमारे फ्रेंड है, ये बंगाल से आए हैं, इनको पहले भी दिखाया था मैंने ब्लॉग था, और ये अभी मेरे मेहमान जा रहे हैं आज, है ना, कन्फर्म है आज तो, कन्फर्म हो गया। साथ साथ में यहाँ पे मौसम खराब होते हुए देख सकते वो ठंड तगड़ी लग रही है, तगड़ी हवा, बारिश का मौसम बना हुआ है, हवा में उड़ रहे सारे, और इन्होंने लाई भी बाइक भी है, गाड़ियों की गाड़ी ठीक कराने के लिए दी है, गाड़ी लेके जाओ घर को, हवा देख सकते हो आप यहाँ पे, बारिश हो रही है, हल्के हल्के लग रहे हैं अभी छींटे हल्के हल्के, और we'll be right back।
ये है हमारी गाड़ी की पेट्रोल की टंकी और ये हमारी गाड़ी यहाँ पे देखो लाइट चली गई है अभी क्योंकि बारिश का मौसम बन गया ना ख़राब हो गया तो गाड़ी में सब कुछ अभी अंदर से खोल दिया है। देखो गाड़ी अभी सेट हो जाएगी कुछ टाइम बाद। यहाँ पे क्या होता है ना मिट्टी होती है एकदम जाता है। देखो देखो गाड़ी का काम चला हुआ है यहाँ पे हमारे अभी उसकी टंकी वापसी लगा दी है। दोनों भाई पूरी मेहनत करके कर रहे गाड़ी को ठीक। तो गाइस अभी गाड़ी हमारी ठीक हो चुकी है अभी हो चुकी है सुबह। तो सुबह मैं गाड़ी लेने गया उस टाइम मैं व्लॉग नहीं बना पाया। तो अभी देखो ये अभी हम घर के लिए जा रहे हैं। ये है हमारे देखो अभी लिंक रोड है और ये है हमारे घर का अरे परे का व्यू। और वो ऊपर टॉप पे जाके है एक टेम्पल वो है श्री खलोगेश्वर देवता का टेम्पल। घर जाएंगे और फिर उसके बाद वापसी आएंगे मेला देखने क्योंकि यहाँ पे मेला है हमारे बोगधार में। तो आपको वो भी थोड़ा घुमाएंगे वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। अभी तो हम घर जाते हैं पहले फिर उसके बाद आपको घर से मिलवाते हैं फिर उसके बाद मेला देखने आएगा शाम को वापसी। तब तक आप देखिए मेरे गांव का रोड ये लिंक रोड जाता है मेरे घर के लिए मतलब 5 किलोमीटर नीचे है। तो गाइज ये है हमारा गांव ये गांव है हमारा। तो यहाँ पे हमारे दो जगह घर है वो भी दिखाता हूँ आपको। एक वो है वो टॉप पे एक वो है और एक यहाँ से आके ये वाला एक यहाँ पे है। तो ये है हमारा गांव इसका नाम हमारे गांव का नाम है भजौंड नाम है हमारे गांव का प्यारा गांव है। और यहाँ के और अरे परे पूरे पहाड़ी पहाड़ मस्त हवाएं चलती है। ये हमारे गाड़ी का स्टेशन यहाँ से आके यहाँ स्टेशन है और ये मेरा घर। और ये अभी हम घर पहुँच गए ओह घर में सही है मस्त है मस्त माहौल है। और ये देख यहाँ भी काम चला है हर जगह काम एक काम पर एक काम यहाँ पे डॉगी टाइगो इसका नाम है टाइगो। हेलो हेलो ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड पर्सन वेरी गुड वेरी गुड। अभी आपको मिलाता हूँ अपनी डार्लिंग से हमारी डार्लिंग है इधर बोलेंगे भी देखना खप देखना खप खप देखना और खप करूँगा अभी देखो नमस्ते जी दीपका दीपका ये बस दर ये बस ये दीपका वो तो सुन रहा तू सच से अच्छा ये तू बुलाए रहा से पार बोलो लगे दादी को पता तब ठीक ठाक दादी ठीक हो तो ठीक हो जाए शोध बुरो सी।